लास्ट का पार्ट में लिखता हूं, तो यहां पे आएगा टी रूट थ्री प्लस टी बाई टू था इक्वल टू, हम लोग क्या करते वेरिएबल ऑन अदर साइड, तो प्लस 32 यहां गया तो क्या होएगा माइनस 32 हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? सर वो माइनस टी बाय टू था ना, माइनस टी बाय टू था, ठीक। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें से टी को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा रूट थ्री माइनस वन बाय टू, एंड यहां पे कितना रहेगा एट माइनस 32 रहेगा 20 माइनस 20। टी का फाइनल वैल्यू क्या आएगा? टी का फाइनल वैल्यू आएगा माइनस 24 अपॉन रूट थ्री माइनस हाफ। कोई डाउट यहां तक? देखो ये अभी सॉल्व करने का तरीका है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको ऐसे ही करना है और कोई मेथड नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते, सारे सिंपल एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते, ठीक है सर। हाँ बोलो ना सर, वो जो टेंथ में सिखाया था ना, दोनों के बीच में जाने का और फिर प्लस माइनस करने का वाला, क्यों नहीं कर सकते तो वो एक निकालने का? अरे देखो वो आप एक दो में कर पाओगे, लेकिन एग्जाम में ना आपको क्या करते, आपको सबका वैल्यू नहीं बोलते, आपको एफ ढूंढने नहीं बोलते, टी ढूंढने नहीं बोलते, आपको सिर्फ इसमें से टी ढूंढने बोलते। तो अगर आप ये मेथड करोगे ना तो आपको एक ही स्टेप में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वो बोल रहा हूं। हाँ सर। और दूसरा प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अभी इसको और इसको एलिमिनेट करना है, सॉरी इसको और इसको अगर सपोज एलिमिनेट करना है, कैसे करोगे? नहीं मुश्किल है ना करने को, तो इसीलिए एडवाइसेबल क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे एडवाइसेबल रहता है ऐसे टाइम में। यहाँ पे आप एलिमिनेशन कर ही नहीं सकते हो, कुछ लॉजिक ही नहीं आएगा एलिमिनेशन का, क्योंकि दोनों जो नंबर से कंप्लीटली डिफरेंट एक दूसरे से, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना ज्यादा करके एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग सिंपल एग्जाम्पल्स करेंगे, चलो ये ट्राई करो। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड 4x प्लस y इक्वल टू, सब लोग जरा कैमरा चालू करो। देखो ये x कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इधर x ही x आएगा, कुछ भी हो सकता है। सर पिछले सम का फाइनल आंसर क्या आया था? वो छोड़ दो, अभी के लो छोड़ दो, मैं दूंगा वैसे टाइप का सम, छोड़ दो सम छोड़ दो, मैं सिर्फ सिखाने के लिए करेंगे हम लोग वैसे टाइप के सम्स है, आगे है फिजिक्स जब चालू करेंगे है वैसे सम्स, तो उसका टेंशन मत, अभी फिलहाल तो सॉल्विंग इंप्रूव करो कैसे करते। तो आप लोग में से किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन यूज किया सब्स्टिट्यूट करने? सर मैंने एलिमिनेशन वाला किया। ठीक है चलो मैं आपको एलिमिनेशन एक सम देता हूँ, फिर उसको एलिमिनेशन से करने का ट्राई करना। चलो 2x 3 इंटू y के बदले क्या लिखोगे, y के बदले लिखोगे 8 माइनस 4x, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 24, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा प्लस 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 12x इक्वल टू 7, 2x plus 12x becomes 14x, minus 24 यहां गया तो बन जाएगा plus 24, x is equal to क्या होएगा 31/14। चलो अब यहां पे y equal to 8 minus 4 into 31 upon 14,
तो ये आ जाएगा टू के टेबल में, फाइनल आंसर रहेगा 8 - 62/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 56 - 62, फाइनल आंसर रहेगा -6/2। ठीक, चल अभी सब लोग जो भी एलिमिनेशन किया वो लोग इसको एलिमिनेशन से कर, नहीं किया नहीं बोल रहा हूँ इसको करना करो। तो दोनों में से कोई एक ही मेथड करना है ना, मैं आपको एडवाइस क्या दूंगा, सब्स्टिट्यूशन कर दो। चलो अभी एलिमिनेशन कर, जैसे इधर सिर्फ वाई लिख लो, ये जस्ट ये कट कर दो। ट्राई, एग्जाम में ज्यादा करके सब रूट में आता है, इसके लिए एलिमिनेशन करना मुश्किल है, ये आप समझ जाओगे। इधर इसको सब्स्टिट्यूशन में करोगे तब तक? अरे सब्स्टिट्यूशन से करो, क्यों एलिमिनेशन कर रहे हो? किसने एलिमिनेशन से करना? आपने बोला ना एलिमिनेशन कर, जिनको करना है। अच्छा देखो जरा, करना है तो करके देखो, आ रहा है तो y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 8 - √5x. चल अभी इधर सब्स्टिट्यूट करना, y के बदले लिखोगे 8 - √5x, ये तो एज इट इज आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8 √2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो root or x, शाबाश। सिर्फ एक्स कॉमन बोला, रॉन्ग बोला आपको, रॉन्ग ही बोला रहेगा, इसके लिए मैं सार्केज्म यूज करता हूँ, सिर्फ एक्स कॉमन, इसके लिए मैंने पूछा, थैंक्स पूछने के लिए। तो फाइनल आंसर ये रहेगा, अभी ये आप एलिमिनेशन से किया रहता तो बहुत प्रॉब्लम होती, सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना ज्यादा करके एग्जांपल्स में काम में आएगा। और कोई वाई को सॉल्व किया? एक्स के बदले आप ये पूरा नंबर लिखना, 6 - 8 √2/√3 - √10। तो वैसे का वैसे रखो, ऐसा जरूरी नहीं है सॉल्व करना, तो ये क्या आएगा 6 √5 √10 नहीं होगा कुछ, हाँ रुको ना, वो तो होएगा ना, 8 * √5 * √2 होएगा √10/√3 - इतना ही रख दो और छोड़ दो, कोई बात नहीं, इतना भी किया मोर देन सफिशिएंट। ठीक है चलो एक और सम करते ऐसे टाइप का, कोई डाउट है कोई स्टेप में तो पूछना है, अभी ये सम आप खुद से करना, दो सम आपको देता हूं ऐसे टाइप का,
कोई डाउट है तो पूछना कोई स्टेप में। चलो ये सब खुद से ट्राई करो। y इक्वल टू क्या रहेगा बोलो, y इक्वल टू क्या रहेगा? 2 माइनस रूट 7 x। रूट फोर कितना होता है? टू और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होएगा सर बताओ बोलो सर। फोर माइनस रूट सेवन आएगा। अगर हाँ ये रूट टू रहता तो ये हो जाता था रूट फोर्टीन हो जाता था, लेकिन ये टू। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करोगे? वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन अदर साइड। तो एट माइनस फोर होएगा, यहाँ पे होएगा रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट सेवन एक्स। क्या कॉमन इन दोनों में? एक्स एक्स कॉमन। एक्स ब्रैकेट के अंदर आएगा रूट थ्री माइनस टू रूट सेवन, और ये इक्वल टू कितना होएगा? एक्स का वैल्यू क्या रहेगा बोलो? एक्स का वैल्यू सर रूट थ्री फोर रूट थ्री माइनस रूट टू टू रूट सेवन। विद सब्स्टिट्यूट करो y इक्वल टू टू माइनस x के बदले आएगा फोर अपॉन रूट थ्री माइनस टू रूट सेवन। क्या रहेगा इसका आंसर? रूट सेवन इंटू फोर कितना आएगा? 28। नहीं 28 नहीं आएगा, 4 रूट सेवन। 4 बाय रूट नहीं 4 रूट ये रहेगा क्या? वाई का वैल्यू रहेगा। सर रूट फोर को रूट टू में कन्वर्ट नहीं किया तो चलेगा? देखो कन्वर्ट करना ज्यादा बेटर है, नहीं किया तो भी चल जाता है। सर मैंने ना टू रूट फोर को वो साइड लेके कन्वर्ट किया, मतलब मेरा आंसर है एक्स इक्वल टू फोर अपॉन रूट थ्री माइनस रूट 28। हाँ चलेगा, वो भी चल जाएगा। एंड में आपको करना ही पड़ेगा ना, 28 को कैसे करना, बहुत बड़ा होगा टेबल और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करते थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं चल अब नेक्स्ट है कुछ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बोलो ना, क्या डाउट है सर? वो पिछले वाले में अभी ये देखो ना, 2 माइनस रूट 4 7 है और नीचे है रूट 3 माइनस 2 रूट 7, तो माइनस 4 माइनस 2 कैंसिल नहीं होगा, हाफ आएगा आंसर, सब चलेगा वैसा। किधर किधर? ये साइड पे y के इधर। y के इधर? हाँ बोलो ना। और सब्स्टिट्यूट नहीं होगा सर?
और मत करो मेरे हिसाब से इस, देखो ये तो सबसे कॉम्प्लेक्स सम्स में से हो, मतलब ऐसा टाइप का आता है नहीं ये, बस आपको तरीका सिखा रहा था सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करते, बस उतना ही है। इतना हार्ड मतलब इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाला सम नहीं आता है एग्जाम में, सिखाने के लिए सिखाया कैसे सब्स्टिट्यूट करते कैसे यूज करते हैं, बस वही सिखाने का बस था और कुछ नहीं। और ज्यादा करके ना देखो क्या होता है मालूम है क्या, वहां पे कैसे आता है टी साइन 60, तो टी साइन 60 का मतलब क्या है टी इंटू रूट 3 अपॉन 2, तो ये रूट 3 है ना ये बहुत कॉमन नंबर है, इसीलिए मैं आपको ये सब सिखा रहा हूं और कुछ नहीं। जब सम्स करेंगे तभी आपको वापस में बोलूंगा ये वीडियो देखने को, और कुछ नहीं रिवीजन करेंगे हम लोग तभी, ठीक है। अभी जस्ट आपको ये सब किया आप लोग ने इसके लिए जस्ट सिखा रहे हो। नेक्स्ट हेडिंग दिखना, ये फॉर्मूलास आपको पता रहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सबका बेसिक फॉर्मूला, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या रहता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा साइन थीटा रहता है 1 अपॉन कोसेक थीटा रहता है। साइन थीटा रहता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब जो सेकंड है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या रहेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड कॉस थीटा रहता है क्या, किसका रेसिप्रोकल है? 1 अपॉन सेक थीटा। वेरी गुड, 1 अपॉन सेक थीटा का। थर्ड जो है दैट इज tan theta, tan theta रहता है क्या? Opposite upon adjacent. इसका और एक एक फॉर्मूला है, इट इज ऑल्सो sin theta upon cos theta. Cos theta. और क्या रहेगा, और एक फॉर्मूला है क्या रहेगा? 1 upon cot theta. Very good. Tan theta is also equal to 1 upon cot theta. यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट है यहां तक? अरे हाँ ना, कुछ तो जवाब दो। नो सर। नहीं सर। नेक्स्ट लिखना ये फॉर्मूला 4, ये आपने ऑलरेडी किया है 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे और एक एक फॉर्मूला बना सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाओ तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। और दूसरा अगर साइन स्क्वायर को इधर लेके गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। और क्या आएगा फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा? 10। ठीक है, ये जरा ध्यान देना, फॉर्मूला ऐसा नहीं है। क्या रहेगा फॉर्मूला सीकेंट और टैन के बीच में, क्या रिलेशन है, क्या आएगा? चलो इससे फॉर्मूला बनाओ, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला इस, और कुछ सोच सकते हो और क्या फॉर्मूला आ सकता है?
वन माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन स्क्वायर. देखो देखो वन को इधर लेके जाओ तो ये क्या होएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू स्क्वायर प्लस वन माइनस वन टेन स्क्वायर. इसको आप और एक एक तरीके से लिख सकते हो. ये कौन सा फॉर्मूला कोई देख सकता है और बता सकता है कौन सा फॉर्मूला ये ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो इधर आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी. तो जरा यूज करो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या रहेगा इनटू ए माइनस बी सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा ब्रैकेट में आएगा सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा. तो आप क्या कर सकते हो कोई भी एक क्वांटिटी को इधर नीचे लेके जा सकते हो. तो आप क्या लिख सकते हो कि सेकेंड थीटा और टैन थीटा का जो सम रहेगा ये क्या है इसका डिफरेंस का रेसिप्रोकल है. क्या बोला सीकेंट टीटा प्लस टैन टीटा का जो सम है इनके बीच का जो मतलब डिफरेंस है उसका क्या है रेसिप्रोकल. जस्ट ये एडिशनल फॉर्मूला जस्ट आपको सिखा दिया और कुछ नहीं. या आपको टेंथ में ओ कौन सा चैप्टर था 6.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ऐसे टाइप. चल अब इसके बाद है बीए फॉर्मूला आपने देखा नहीं रहेगा तो ये जरा लिख लेना. सबसे पहले साइन ऑफ ए प्लस बी सेकेंड इज साइन ऑफ ए माइनस बी थर्ड इज कॉस ऑफ ए प्लस बी फोर्थ इज कॉस ऑफ ए माइनस बी. तो साइन ए बाई बी का क्या रहेगा ये याद रखना है हमेशा आएगा ये फॉर्मूला बहुत बार आएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. यहां पे आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. यहां पे इट शुड बी क्या कॉस ए कॉस बी माइनस है तो यहां पे आएगा प्लस साइन ए. याद करने का सिंपल है साइन रहेगा तो डिफरेंट याद रखना साइन रहेगा तो डिफरेंट फॉर्मूला आता है कॉस रहेगा तो सेम आएगा. साइन रहेगा तो डिफरेंट कॉस रहेगा तो सेम. चलो एक एग्जांपल करते हैं ये ट्राई करो cos of 60 plus 45 degree. Try करो. क्या आएगा बोलो क्या आएगा cos 60 क्या रहता है हाफ इनटू रूट 1/2
ये रहेगा फाइनल आंसर। चेक करना, किसी को इसमें डाउट है तो पूछना। कोई डाउट है जब तक? चलो ये ट्राई करना, साइन ऑफ साइन ऑफ 105 डिग्री। कैसे लिखोगे साइन ऑफ 105 को? कैसे लिख सकते हो? कौन सा स्टैंडर्ड एंगल से कैसे लिख सकते हो? 60 प्लस 45। वेरी गुड, साइन 60 प्लस 45। 60 और 45 का अपने को वैल्यूज पता है क्या आएगा, जरा करो। फिर इसके बाद ये ट्राई करना, क्या आएगा इसका आंसर? कैसे लिखोगे साइन 60 प्लस 45 को? सब लोग बोलो, साइन 60 इनटू कॉस 45। सबका आवाज आना चाहिए, सबका आवाज। 45 इनटू साइन 45। वापस चालू करो, वापस चालू करो एक साथ। साइन क्या आएगा? साइन 60 इनटू कॉस 45 माइनस कॉस 60 प्लस आएगा प्लस कॉस 60 sin 45 प्लस कॉस 60 इन sin 45 sin 45। चलो पूजिता बताओ इसका वैल्यूज क्या है। हेलो पूजिता, क्या रहेगा इसका आंसर? पूजिता चले गए। हाँ बताओ sin 60 क्या रहेगा? रूट 3 cos 45 1 by root 2 cos 60 1 by 2 1 half और sin 45 1 by root 2 तो final answer रहेगा root 3 plus 1 upon 2 root 2। चलो ये ट्राई करो, साइन 15 कैसे आएगा? क्या आएगा? फोर्टी फाइव माइनस 30। वेरी गुड, 45 माइनस 30 आएगा। चलो ट्राई करो, क्या आएगा? बोलो फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो सब लोग। sin 45 cos 40 cos minus 40 cos 45 minus 30 आएगा, cos 30 minus आएगा cos 45 sin 30। कितना आएगा sin 45? 1 by root 2 cos 30 3 by root 3 upon 2 आएगा। हाँ फिर cos 45 half sin 30 1 by root 2 1 by root 2 sin 30
चलो cos 15 क्या आया cos 15 45 माइनस 30 आएगा सर वैसे वही फार्मूला सेम फार्मूला तो क्या आएगा माइनस 90 tan 1 और tan 15 फिर मैं आपको एंड में सारे फॉर्मूला शॉर्ट में लिख के देता हूं तो tan 105 को कैसे लिख सकते हो 60 45 तो ये आएगा tan 60 tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 60 tan 45 tan 60 क्या रहेगा रूट थ्री टेन फोर्टी फाइव वन वन है पक्का ये बराबर है वन अपॉन रूट टू है नहीं सर वन है वन नहीं सर वन है टेन फोर टेन सिक्सटी क्या है रूट थ्री और tan 45 root 3 wow one final answer क्या आ रहेगा final answer will be root sorry one second root 3 plus 1 plus root 3 हमेशा rational term को पहले irrational को बाद में लिखो 1 minus इसको आप आगे conjugate method से कर सकते हो लेकिन अभी के लिए वो मत करना चलो नेक्स्ट वाला करो सर tan 45 माइनस tan 30 वेरी गुड tan 45 माइनस 30 हाँ हाँ तो बोलने में गलती हो गई बोलने में भी गलती होती तो लिखने में सोच कितना गलती होएगा नहीं गलती सिर्फ बोलने में किया मैंने अभी लिखा बराबर है पहले बार ऐसा देख रहा हूँ कि बोलने में गलती किया और लिखा बराबर सही ना और आप लोग आपका सीईटी एग्जाम का टेंशन मत लेना अगर रहेगा तो हम लोग उसके लिए भी तैयारी करेंगे ठीक है जो आपका कॉलेज का एंट्रेंस होने वाला है सब टेंशन मत हेलो सर बोलना अमन सर ये तो 93 परसेंटेज देने वाले हैं ना हाँ मेरे को बिल्कुल पता नहीं कैसा करने वाले लोग ऐसा बोल रहे कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होएगा मतलब जहां तक मैंने सुना मेरे को पता नहीं तो सब स्टूडेंट्स के लिए होगा साइंस कॉमर्स आर्ट्स हाँ फिर उसका एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे और फिर जो बचा हुआ सीट रहेगा वो बाकी के बच्चे लोग को देंगे अगर कोई एग्जाम देगा नहीं तो सब सीट दूसरों के लिए बचा रहेगा सही सही लॉजिक है हमारा सर अगर 9th का परसेंटेज लिया तो मैं और कोटू फेल है इसमें साइरस तो साइरस का क्या हालत होएगा शौनक शौनक tan 45 क्या रहेगा One. सब लोग बोलो tan 30 क्या है tan 30 one upon root three यहाँ पे रहेगा one plus one into one upon
तो अगर इसको अगर फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आएगा रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री, और ये आएगा वन प्लस वन बाय रूट थ्री। तो इधर तो ये रूट थ्री और ये रूट थ्री क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा, हम लोग का फाइनल आंसर पहले जैसे आ रहा है, नहीं पहले जैसा नहीं आ रहा, पहले का उल्टा आ रहा है। ये समझा ना क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया तो इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई रूट थ्री से डिवाइड, नहीं आता रहेगा तो उनको बता। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड कर दे, फिर कल देखते, कल या परसों, मेरे को आज से चालू करने का था लेकिन ठीक है, कल या परसों से चालू करेंगे, क्योंकि मेरे को जैसे जैसे टॉपिक्स याद आते हैं ना जो आपको सिखाना है मैं आपको सिखाते रहूँ। ठीक है, चल बाय बाय सर। क्या उदास होके सब, थैंक यू सर, बाय।